अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू गाइस, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज का रेसिपी हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालने जा रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग ये है मटर पराठा, तो बहुत यम्मी और टेस्टी लगता है। मैं स्टेप बाय स्टेप डाल रही हूँ, आप लोग ऐसे देखते जाओ कैसे डालना है गाइस। तो ये हमारा चटनी के लिए ली हूँ, थोड़ा दरदरा कर रही हूँ मटर को। हम मटर में डालूँगी, मटर मेरा बॉईल हो चुका है, बॉईल करने चढ़ा दी थी। बॉईल देखो बहुत बेहतरीन हो चुका है। उसके बाद में उसको हम चॉपिंग कर लिए हैं पूरा बारीक बारीक। बॉईल किया हुआ को मिक्सर में हम पीस चुके हैं, मस्त पेस्ट हो चुका है। तो इसमें हम जो मिर्चा, धनिया पत्ती, लहसुन और गोल मिर्च सब चॉपिंग करके पेस्ट करके रखे थे, सब उसको डाल रहे हैं। अब हम इसमें काला जीरा का पाउडर डाल रहे हैं, तो नमक डाल रहे हैं और उसके ऊपर में थोड़ा सा हम देखो कि चाट मसाला थोड़ा डाल के उसके बाद में इसको मिक्स करके आटा हमारा बुन लेंगे। तो हमारा आटा बुन चुके हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे। देखो इसका हम लोही को ऐसा करके अंदर में जो हमारा मटर है उसको हम डाल रहे हैं, अच्छा भर के दे रहे हैं गाइस। थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है थोड़ा मटर का आने से गाइस, आप लोग भी अपना घर में ट्राई कीजिए। तो मेरा देखो दूसरा पराठा एक ऐसे कर करके सब लोही को हम ले चुके हैं गाइस। पराठा माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाया है, अब हम टेस्ट करके बताएंगे आप लोग को कैसा लग रहा। बहुत टेस्टी यम्मी लगता है, आप लोग इसमें टमाटर का चटनी में मस्त खाओ, बहुत टेस्टी लगता है गाइस। टमाटर का चटनी मतलब इसमें टमाटर का चटनी में डुबा डुबा के खाओ तो यम्मी लगेगा, प्लीज़ ट्राई कीजिए। देखो बहुत गरम गरम है, मेरे हस्बैंड तोड़ नहीं पा रहे, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। तो ये टमाटर का चटनी के साथ मेरे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं।